आईआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम भ्रांतो बालः। किसी गांव में भरत नाम का एक बालक रहता था। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। एक प्रकार से वह हमेशा मनमानी करता था। उसकी माता उसे पढ़ाने का लाख प्रयास करती, किंतु वह पढ़ने के लिए तैयार न था। एक दिन पड़ोस के लोगों से उसकी माता इसी विषय में बात कर रही थी। सखी, न जाने किम भविष्यति। निवेदिते कथम व्याकुला दृश्यते। आम आम, कथय कथय, कथम व्याकुला दृश्यते। किम कथयानि मम वीथ्याम ये वसन्ति तेषां बालकाः पठनेन पलायन्ते। निवेदिते तव भरतः कथम पठति। प्रसन्ने मम पुत्रः भरतः न पठति। चिन्तां मा कुरु, सः शनैः शनैः पठनाय प्रेरणीयः। प्रसन्ने सत्यं कथयति। भगिनी किं करवाणि, मम भागिनेयः तु पूर्णरूपेण पठनात् वियुक्तः। भगिनी मावद, मम बालकः तु विद्यालयमेव न गच्छति। भगिनी वातावरणं भिन्नं जातं, बालाः शिष्टाचारविहीनाः कर्तव्यविमुखाः च सञ्जाताः। भगिनी न जाने किं जातम्, इदानीं बालकाः विद्यार्थी जीवनस्य महत्त्वमेव न जानन्ति। न जाने किं भविष्यति। महती चिंता, किं भविष्यति। इसी बीच अपनी माता को पुकारते हुए भरत की आवाज आती है। अरे माता, न दृश्यते, इदानीं बुभोक्षितोऽस्मि। माता। भरत, आगच्छामि। कथय। बुभोक्षितोऽहं, भोजनं देहि। गृहाण भोजनम्। माता, इदानीं निद्रा आगमिष्यति। पुत्र भरत, संप्रति पठतु, पुनः स्वपितु। अहो, कथं पठानि व्यर्थमेव, अहं तु स्वपिमि। अरे भरत, पठती ना वा। हाँ, नाम हाँ, पठामी। पुत्र, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, एषः पठन कालः, पठतु। माते। भरत को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। वस्तुतः उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जब जी में आए, जो मन चाहे वही करने की कोशिश करता था। इसलिए न तो उसके सोने का समय था और ना ही उसके जागने का। वो विचित्र ही जीवन पद्धति में जी रहा था। भरत गाना सुनता है। पठनम न रोचते मह्यम, पठनम न रोचते, शयनम हि रोचते मह्यम, शयनम हि रोचते। पितरं निवेद्यतां कश्चित् जननीं निवेद्यतां, पितरं निवेद्यतां कश्चित् जननीं निवेद्यतां, भ्रमणं हि रोचते मह्यम्, पठनं न रोचते, पठनं न रोचते मह्यं, पठनं न रोचते। भरत, एतत् किम्? अहं तु क्रीडितुं गच्छामि। पुत्र, मा गच्छ, अयं पठन कालः। अहं गच्छामि। पठनं कुरु। गच्छामि। अन्यथा। पश्य, अयं कः व्यर्थमेव भ्रमति। पृच्छतु,
अयं किमर्थं भ्रमति? भो बालक, कुत्र गच्छति? किमर्थं भ्रमति? तव नाम किम्? मम नाम भरतः। अहं क्रीडनाय आगतोऽस्मि। यूयम् आगच्छत, मया सह क्रीडत। अरे भरत, अयं पठनकालः वयं सर्वे पठिष्यामः। अहं तु क्रीडामि, न पठामि। पश्य पश्य, अयं मूर्खः अस्ति, कदापि न पठति, सदैव भ्रमति क्रीडति च। गच्छन्तु, एते पुस्तकदासः। अहं तु उद्याने मनोविनोदयिष्यामि, तत्राहं पशुपक्षिभिः साकं मैत्रीं करिष्यामि। बगीचे में भरत भंवरी को खेलने के लिए बुलाता है। अहं तु स्वीयं कार्यं कर्तुं गच्छामि। भ्रमर, आगच्छ, मया सह क्रीड। नहीं भो, अहं न क्रीडिष्यामि, अहं मधुसंग्रहे व्यस्तः। गच्छ, तव जन्म तु निरर्थकमेव। भरत चिड़िया को खेलने के लिए बुलाता है। अहो, बहु कार्यम करणीयम्, शीघ्रम यामा। चटका, मम मित्राणि भवन्तु, मया सह क्रीडन्तु। नहीं नहीं, वयम तु नीड रचनायाम निरतः। गच्छत यूयम्, युष्माकं जन्म निरर्थकमेव। भरत कुकुर को खेलने के लिए बुलाता है। अरे विलंबो जाता, स्वामिना प्रतीक्षा रता स्यो। कुकुर, त्वं मनुष्याणां मित्रम् असि, इतस्ततः किमर्थं भ्रमसि? वृक्षमूलम् आगच्छ, मया सह च क्रीड। नहीं भो, अहं तु स्वामिना सेवायां रतो अस्मि, नास्ति क्रीडाया अवकाशः। पक्षिणः पशवश्च स्वस्व कार्येषु निमग्नाः सन्ति, केवलम् अहमेव वृथा भ्रमामि? नहीं नहीं, इतः परम् अहमपि स्वकर्तव्यं विहाय न क्रीडिष्यामि। अद्य प्रभृति अहमपि पठिष्यामि। आपने सुना, सभी बालकों, पशु तथा पक्षियों को अपने अपने कार्यों में लगा हुआ देखकर भ्रमित भरत को बोध हो जाता है कि समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। भ्रांतो बालह, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, गिरीश त्रिपाठी, गवीश द्विवेदी, वरुण, अरुण, धनश्री, स्मृति और प्रेरणा। ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।